साथियों, इस दुनिया में अगर किसी को नेता कहा गया तो वह माननीय नेताजी सुभाष चंद्र बोस और दूसरे नंबर पर माननीय नेताजी मुलायम सिंह यादव को कहा गया। क्यों कहा गया? नेताजी ने ऐसा कौन सा काम किया कि उन्हें नेताजी की उपाधि मिली और चंद्रशेखर जी पूर्व प्रधानमंत्री ने संसद में कहा था कि न कोई मुलायम पैदा हो सकता है और न कोई लालू पैदा हो सकता है। तो नेताजी इस दुनिया से तो चले गए, लेकिन नेताजी का नाम इस दुनिया में अमर रहेगा। कैसे बताया गया? अरे नेताजी के, अरे नेताजी के कबो ना भूलई है दुनिया में हो नामा। नेताजी का जन्म एक छोटे से किसान परिवार में हुआ था। संक्षिप्त परिचय है नेताजी का। माता मूर्ति देवी, पिता सुघर सिंह किसनवा। रिबवन की खातिर कैला हो कारनामा। नेताजी अनेक पदों पर देश की सेवा करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और हिंदुस्तान के रक्षा मंत्री बने। जब हिंदुस्तान के रक्षा मंत्री बने नेताजी, तो एक काम उन्होंने भारतीय जवानों के लिए बहुत अच्छा किया। क्या किया नेताजी ने? सम्मान देश की जवान के, कर्जा से मुक्त कैले नेताजी किसान के,
नेताजी ने रक्षा मंत्री रहते हुए एक आदेश किया कि हमारे देश का नौजवान अगर बॉर्डर पर शहीद होता है तो उसकी लाश उसके घर तक जाएगी और उसके सम्मान में कम से कम 10 लाख रुपया दिया जाएगा। किसानों का कर्जा माफ किए नेताजी, सारे वर्गों के लिए नेताजी लड़ते रहे, संघर्ष करते रहे, लेकिन कैसे पढ़े लिखे नौजवानों के लिए भी किया। क्या किया नेताजी ने? पढ़े लिखे नौजवाना पावत रहल भाता, दुनिया में कहीं नहीं ऐसी व्यवस्था, इतना ही नहीं नेताजी ने ऐसे ऐसे लोगों को सांसद बनाया जो समाज से बिल्कुल अलग रहा करते थे। अरे सांसद भैली सिरनी बहिनिया दिहाले होई ना मावा, साथियों नेताजी इस दुनिया में अमर हो गए, सदा सदा उनको लोग याद करेंगे। कैसे करने महान कैके ताजी चल देश के, नेताजी तो चले गए लेकिन अपनी निशानी छोड़ के चले गए। आज पीडीए के नेता माननीय अखिलेश यादव उनकी विरासत को संभाल रहे हैं। हमें और आपको उनके हाथों को मजबूत करना होगा, तब जाके इस देश का विकास होगा, हमारे पीडीए समाज का विकास होगा। अरे धार